हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आरके बोस डीजल वर्क चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे एक भैया ने, एक दोस्त ने कमेंट किए थे कि वी पंप का, रोटरी पंप का फिटिंग का वीडियो बनाइए, तो वो वीडियो मैं बनाया हूँ फ्रेंड्स। और कौन से पार्ट्स खराब होने से क्या प्रॉब्लम गाड़ी में आता है, क्या इशू होता है, वो भी बताया हूँ। और कैसा फिट करना है वो पूरा डिटेल बताया हूँ। तो अभी देरी ना करते फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते, पूरा जानकारी मिलेगा, वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते फ्रेंड्स। ये देखिए महिंद्रा नविस्टर का BS3 का पंप है, BS3 24 वाल का 0460 426 506। ठीक है, और 2014 का है पंप है। और ये पिस्टन देखिए यार लिया है, जब यहाँ पे अगर पिटिंग है फ्रेंड्स, ये तो एयर का बीमारी है। और यहाँ पे बीच में कभी कभी क्रैक हो गया है, देखिए एक क्रैक भी है, एक क्रैक और एयर लिया क्रैक है। और क्रैक होने से, पिस्टन क्रैक होने से कभी कभी गाड़ी में टक 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 साउंड पंप साइड से आता है, तो इसका कारण है। डीजल नहीं मिलने से भी साउंड आता और पिस्टन क्रैक होने से भी आता। और जो पिस्टन KSB का, जो पिस्टन गुटका बोलते, गुटका तो हम बोलते हैं, आप क्या, आपके क्या बोलते पता नहीं, लेकिन गुटका जो बोलते हैं वो गुटका जैसे यार लेके, वो जाम अगर वहाँ पे जाम है तो जाम होने से भी पिकअप का इशू, हैंडपम्प कम बराबर पर बताएगा नहीं, उसका फॉल्ट आएगा। अरे गवर्नर शाफ्ट और सिल्यू, यहाँ पे ये दोनों अगर जाम हो गए तो गाड़ी ऑटोमेटिक रेस होने का चांसेस रहता है, यह जाम नहीं होना। और गवर्नर शाफ्ट में जो होल है वहाँ पे किच नहीं आने को होना, क्योंकि नहीं तो अपना मशीन पे भी डीजल कटअप नहीं होता इससे। तो इसका भी पिस्टन डालूंगा, पिस्टन नया डालूंगा, ये गुटका भी मैं नया बोला हूँ नया डालूंगा, और गवर्नर शाफ्ट भी नया डालूंगा फ्रेंड्स। लेकिन ये जो KSP का जो गुटका अगर वाइट हो गया ना, कैसे घिस घास के चला लेते हो, उसका सीट तो ठीक है, घिस घास के चला लेते हो जैसे फाइल वाइल मार के, ऐसा चलाना नहीं, क्योंकि आपको तो रीडिंग वीडिंग मशीन पर थोड़ा बहुत आ जाएगा। लेकिन वो वैनपम्प का जो सिस्टम है, इसका बात कर रहा हूँ, वैनपम्प का जो सिस्टम है सप्लाई, मतलब अपने को इतना प्रेशर होना, सात सात मतलब इसका तो इतना प्रेशर होना, 6-7 बार होना, तो इतना होता नहीं, वो ड्रॉप हो जाता। प्रॉपर वैनपम्प प्रेशर आपको बताएगा नहीं, और प्रॉपर वैनपम्प प्रेशर अगर नहीं मिलता तो आपका LFB भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसी के कारण अगर एक गुटका अगर वाइट हो गया कि कुछ ये हो गया, तो उसको घिस के नहीं चलाना, नया ही डालना है। कि महिंद्रा का बोल रहा हूँ, ये महिंद्रा नविस्टर का 24 वाल का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें अगर KSP का गुटका यार वहाँ पे जाम नहीं होना, क्योंकि आप पूरा पंप में अगर पूरा हेड वेड सब नोजल भी नया डाल देते, लेकिन KSP अगर आप नहीं देखेंगे, अगर वो गुटका फ्री है, प्रॉपर वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, जाम है, तो वो कंडीशन में आपका गाड़ी में पिकअप नहीं आएगा, खिंचाई माइलेज का इशू आ सकता है। क्योंकि आपको लगेगा मैं तो पूरा काम कर दिया हूँ, लेकिन वो छोटे से गलती से आपका पंप बराबर सेट नहीं होता है। तो KSP का गुटका बराबर प्रॉपर होना और नया डालना, सबसे पहले पंप को ऐसा क्लीन कर लेना है। क्लीन करके मैं तो पूरा क्लीन करके रखा हूँ, पिस्टन यहाँ पे फ्री होना, फिटिंग करने से पहले वो पिस्टन देख लेना है कि फ्री है कि नहीं, वो फ्री होना चाहिए। और हाउसिंग वाउजिंग पूरा क्लीन कर लेना है, फिर अभी फिट करेंगे उसको। सबसे पहले सप्लाई पंप डालेंगे, वैन पंप डालेंगे, ठीक है। और वो पिस्टन को दिखाया ना फ्रेंड्स, वो पिस्टन यार वहाँ पे यार लेने से वो वहाँ पे मार आता है। और कभी कभी कस्टमर बोलता नहीं मेरा गाड़ी एयर नहीं लिया, तो वहाँ पे पीछे में अगर पिटिंग है तो 100% वो एयर लिया है। अभी सप्लाई पंप डालेंगे, इसका एंटी क्लॉक वाइज आता, अगर क्लॉक वाइज होता तो मोटा वाला राइट साइड आएगा, अगर एंटी क्लॉक वाइज है तो मोटा वाला लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। और जो फ्रंट का जो होल है वो अपने तरफ रखना है, आप जिधर से फिट कर रहे हो उधर खड़ा होकर रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लेड दिख रहा, चाबी जहाँ पे बैठता है वहाँ पे भी कभी कभी क्रैक हो जाता, वो क्रैक होने से गाड़ी में प्रॉपर डीजल खींच नहीं पाता, वो क्रे सफ़ेद धुआँ वाइट मो 10-15 RPM में थोड़ा सफ़ेद धुआँ मारने का चांसेस रहता है। और कभी कभी ब्लेड जाम हो जाएगा, ब्लेड जाम होने से भी सफ़ेद धुआँ मारेगा, गाड़ी फड़फड़ाएगा, मिसिंग करेगा। पहले अभी मैं देखिए वैनपम्प का रिंग डाल रहा हूँ, मोटा वाला लेफ्ट साइड रखना है, और जो फ्रंट का होल है वो अपने तरफ रखना है, ठीक है, क्योंकि महिंद्रा का एंटी क्लॉक वाइज है। और क्लॉक वाइज होता जैसे TC का, कमिंस का बोलो, 24 वाला 528 489, कमिंस इंजन का वो राइट साइड आएगा मोटा वाला, ठीक है। एक पतला एक मोटा हिस्सा है ना, ये मोटा वाला लेफ्ट साइड रखा हूँ और ये राइट साइड। और ये फिटिंग करने से पहले जो ब्लेड है
सप्लाई पंप का ब्लेड है वो फ्री है कि नहीं पूरा चेक कर लेने का चारों में, ठीक है। थोड़ा बहुत पकड़ रहा तो आप सप्लाई पंप नया डालो, नहीं तो उसको थोड़ा घिस घास के फ्री करना पड़ता है, लेकिन फ्री होना चाहिए। और ज़्यादातर तो अगर सप्लाई पंप नया डालेंगे तो बेस्ट रहता है, क्योंकि जो टंकी से डीजल खींचना है बीच में तो फिट पंप रहता ही है, लेकिन जो 6 बार 7 बार 6 से मतलब 8 बार का जो प्रेशर खींचना है टंकी से, तो सप्लाई पंप का बहुत रूल रहता है उसमें। ब्लेड में चारों डाल दिया हूँ और ब्लेड का जो कट हिस्सा वो अंदर साइड रहता है उसके ऊपर सपोर्ट प्लेट सपोर्ट डिश डाल दिया हूँ। अगर वैन पंप हाउजिंग और सपोर्ट डिश ये कोई भी अगर कटा होगा तो आपका वैन पंप प्रेशर नहीं बनेगा प्रॉपर, सप्लाई मतलब जो टंकी से डीजल खींचना वाला वो प्रेशर बराबर खींचेगा नहीं, प्रेशर ड्रॉप होगा, क्योंकि चार्ट में चार्ट के हिसाब से जो अपन रखते हैं वो प्रॉपर वैन पंप प्रेशर आपको मिलेगा नहीं। वैन पंप अगर यहाँ पे घिस गया कि सीट डाउन हो गया इंजन का, ऐसा फ्री होना चाहिए। स्क्रू टाइट मारने के बाद ऐसा हिला के देखना है कि फ्री होना चाहिए वो। और अपन अभी ड्राइव शाफ्ट डालेंगे, ड्राइव शाफ्ट डालने के पहले ये जो सपोर्ट डिस्क का कट है और उधर वैन पंप का कट वो सीधा में रखना है, ये टूथ हेड गियर बोलते हैं फ्रेंड्स, ड्राइव शाफ्ट का गियर मतलब टूथ हेड गियर भी बोलते, इसको पहले फिट करेंगे ड्राइव शाफ्ट में, ठीक है। ड्राइव शाफ्ट पे फिट करने के पहले वो बूस में प्ले देखा जाता 0.25 NM का तक प्ले चलता है, ठीक है। ड्राइव शाफ्ट टाइटनिंग प्ले बोलते, ये गियर का जो कट है वो कट वाला हिस्सा नीचे जाएगा, जो टेपर एक रहता है ना, एक ऊपर साइड प्लेन रहता है और नीचे थोड़ा टेपर एक कॉलर बना रहता है वो नीचे रखना है, और ऊपर वाला प्लेन का हिस्सा ऊपर रखना है। और वो रबर ऑफर जो है एक कट छोट बड़ा है एक कट छोटा है, देखिए बड़ा वाला हिस्से में रबर ऑफर जाएंगे, ठीक है। अरे प्रॉपर अगर रबर ऑफर आप नहीं बैठाएंगे इधर ये करके बैठाएंगे कि बराबर बैठाना चाहिए, प्रॉपर नहीं बैठेगा तो टूट जाते, कभी कभी तो चूरा हो जाता पूरा, वो चूरा हो जाएगा तो आपका पंप भी पूरा ख़राब हो जाता है उसमें, ठीक है। और क्योंकि रबर वबर टूट जाएगा तो एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर रबर वफर भी यहाँ पे अगर डैमेज हो गया कट गया तो एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण वो कुछ भी टूट सकता है, ठीक है। वो गियर दूसरे गियर में कनेक्ट है, फ्लाईवेट से कनेक्ट है, तो कुछ भी टूट सकता है, तो रबर वफर बराबर लगाने का, ये रबर ऑफर मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। और प्लेन वाला हिस्सा ऊपर रखना है, टू थर्टी गियर का प्लेन वाला हिस्सा ऊपर रखना है। अभी थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे, ठीक है, ग्रीस लगा के एक की में भी ग्रीस डालना है, फिर वो प्लेट डालेंगे, ड्राइव शाफ्ट का प्लेट डाल देता हूँ, फिर ये की डालेंगे, ड्राइव शाफ्ट का की छोटा वाला, ठीक है। कभी कभी वो की जहाँ पे बैठता है ना वहाँ पे भी क्रैक मार देता है, वो देखना पड़ता है बारीकी से, वो क्रैक मारेगा तो गाड़ी तो ये होता डीजल ही नहीं देता, मिसिंग करेगा, चालू नहीं होगा, ऐसा हो जाए प्रॉब्लम आता है उससे। ये महिंद्रा भी पंप रोटरी पंप बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसा चाबी वहाँ वैन पंप में घुसता है, वो घुसने के बाद डालने के बाद वो थोड़ा ऐसे घुमा के देखना है, फ्री रहना चाहिए, जाम नहीं घूमना, वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। अरे पिस्टन डालने से पहले पिस्टन का जो छोटा वाला पिस्टन बोलो गुटका बोलो वो भी वहाँ पे फ्री होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ग्रीस भी लगा के डालते हैं, कोई ग्रीस नहीं लगा के डालते, मैं ऐसे ही डालता हूँ बिना ग्रीस का, और वहाँ पे वो अंदर ही अपने हिसाब से घुमा लेता हूँ। आप ग्रीस लगा के अगर नया लड़के कोई देख रहे वीडियो, तो आपको नया नया लाइन में आए हो कि नया फिट कर रहे रोटरी पंप को वी पंप को, तो ग्रीस लगा के डाले थोड़ा, क्योंकि वो आपको क्योंकि नया नया तो समझ में नहीं आएगा आपको पिन मतलब कहाँ पे है कैसा डालना है, ठीक है। और पिस्टन अगर कभी क्रैक रहा तो गाड़ी में टक टक साउंड आता, और किरकिर किरकिर जैसे मिस्त्री लोग बोलते नहीं कि अरे पंप से किरकिर किरकिर आवाज़ आ रहा है, तो एक तो मेन कारण वो डीजल सप्लाई डीजल नहीं मिलने से भी ऐसा आवाज़ आता, पिस्टन क्रैक होने से भी ऐसा आवाज़ आता। अभी ये रूलर पिन में है दोनों का, ठीक है। इसका प्ले भी मिलाया जाता है, 0.02 mm का रूलरिंग प्ले रहता है वी पंप में, तो इसका तो प्ले व्ले ऐसे ज़्यादातर लोग नहीं मिलाते, सिर्फ वो पिन जो व्हाइट हो गया कि ऐसा प्ले चाल हाथ में थोड़ा देख लेते कि प्ले है तो डाल देते,
तो ऐसे रोलर पिन का अगर कलर भी गया तो वो कंडीशन में डालना ही पड़ता। और इसमें चार वाशर आते हैं, वाशर का बाहर साइड रखना है और जो एक टेपर वाला हिस्सा जो है मतलब रोलर और वाशर दोनों सेट हो के रहना चाहिए, चिपक के रहना चाहिए तो आपका बराबर है और बाहर साइड होना ठीक है। फिर रोलर रिंग डाल दिया हूँ मैं, रोलर असेंबली पूरा डाल दिया हूँ और पिन वो पिस्टन के अंदर जाएगा ठीक है। रोलर रिंग का जो पिन है वो पिस्टन के अंदर जाएगा। कभी कभी वो रोलर रिंग भी वहाँ से क्रैक मारता बीच में से, वो ध्यान से देखना पड़ता फ्रेंड। अभी लॉक, रोलर रिंग का लॉक और उसका पिन डालेंगे। बैठा देता हूँ मैं और ऐसा मतलब थोड़ा हाथ से रोटेशन करके देखना है फ्री है कि नहीं पिस्टन, फ्री होना। पिस्टन फ्री नहीं होगा तो गाड़ी के ऊपर यहाँ तो रीडिंग वीडिंग आप बराबर वर्किंग थोड़ा पकड़ लेगा गाड़ी के ऊपर, फिर जल्दी पकड़ लेता हो। और पिस्टन पकड़ लेगा तो कोई कोई जैसे कीलेस कर इंजन में अगर पिस्टन थोड़ा जाम है ना, 512 का पंप बता रहा हूँ, उसमें अगर थोड़ा जाम हो गया तो गाड़ी कभी कभी चालू भी नहीं होता है, प्रॉपर वर्किंग होना। क्योंकि पिस्टन का रूल है कितने टाइमिंग पे कितना डीजल स्प्रे करना, रिटार्ड एडवांस जो बोलते ना, रिटार्ड और एडवांस टाइमिंग से ठीक है, वो पिस्टन का ऊपर डिपेंड करता है कब मतलब स्प्रे डीजल स्प्रे देना है, कब रिटायर करना है। वो टीडी पिस्टन टाइमिंग डेविस पिस्टन, इसका नाम ही है टीडीसी टाइमिंग डेविस पिस्टन, टीडीसी पिस्टन तो उसका नाम ही ऐसा है। फिर ड्राइव शाफ्ट स्प्रिंग डाल के क्रॉस डिश डालना है, क्रॉस डिश भी डाल दिया हूँ। क्रॉस डिश भी कोई किसी किसी में मतलब अभी कैम्पलेट डालने से पहले देखिए, एक कैम्पलेट में एक गुंडी बना है मतलब ये बना है, वो कोई भी रोटरी पंप का जो चाबी है ड्राइव शाफ्ट का चाबी है कि वो लाइन में ही होना ठीक है। कैम्पलेट का जो पॉइंट है गुंडी है वो गुंडी और इधर ड्राइव शाफ्ट का की वो दोनों एक लाइन में है होना। भी पंप के कोई भी पंप फिट कर रहे हैं आप तो ये पोजीशन देखना ज़रूरी है। आप इधर उधर देखेंगे तो गाड़ी चालू नहीं होता, गाड़ी चालू नहीं करेगा क्योंकि उसका जो टाइमिंग है फ्रेंड्स वो टाइमिंग इसी से सीधा होना चाहिए। आप उधर लगा देंगे तो टाइमिंग तो मिस हो गया ना, वो पोजीशन गलत हो गया, वो फायरिंग के ऑर्डर के हिसाब से वो फायर करेगा ही नहीं, करेगा नहीं तो चालू नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए वो देखना ज़रूरी है ठीक है। और कंप्लेट डाल दिया हूँ, अभी डालेंगे उसमें वाशर डाल देते, फाल्कन लीवर फिट करेंगे ठीक है। महिंद्रा में तो ज़्यादातर वो केसीबी का लूचा बहुत आता है, केसीबी में जो गुटका है उसको मतलब बराबर फ्री रखना है और ज़्यादा भी रफ हो गया तो आप नया ही डालो बोल्ट में वाशर वाशर। और कोई भी रोटरी पंप भी पंप फिट कर रहे तो रबर किट आप ज़रूर डालने का, क्योंकि वो रिंग वरिंग कट जाते उसमें फिर लीकेज होने का, आपको गाड़ी के ऊपर लीकेज होगा जाएगी बहुत तकलीफ आता है। फाल्कन लीवर फिट कर दिया हूँ, ये दोनों बोल्ट ऐसा फंसा लेने का और ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे करके लग जाता हो। फिर इसको टाइट मार देंगे, फिर अभी फ्लाईवेट असेंबली लगाएंगे। ये उसका चार ब्लेड है, ब्लेड लगा के फ्लाईवेट असेंबली को लगाएंगे। ये लगाने से पहले ऐसा थोड़ा फ्री है कि नहीं देख लेना है और डीजल वहाँ पे आ रहा है कि नहीं चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे अपना बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है। एक तो गाड़ी रेस होने का प्रॉब्लम आएगा और कभी कभी स्टार्टिंग भी नहीं आता है, स्टार्टिंग नहीं आएगा तो ऐसे वो जो ऊपर वाला स्टील है सिलू के ऊपर वो जो स्टील पॉइंट है वो ग्राइंड करना है इसके ऊपर जो है, और फ्लाईवेट डालना है। ऐसे फ्लाईवेट डाल दिया हूँ, वो फाल्कन लीवर के ऊपर उठा के थोड़ा फ्लाईवेट डालना है। फ्लाईवेट के नीचे में जो सीम है उसका जो मेजरमेंट है वो 0.35 से 0.55 जो इसमें चलता है टाइपेड गेज में देखना पड़ता है ठीक है। टाइपेड गेज जो मिलाते हैं ना वो गेज में देखना पड़ता है, 0.35 का ब्लेड की 0.55 का ब्लेड वहाँ पे जाना चाहिए। वो हाउसिंग में एक पिन रहता ना, हाउसिंग और फ्लाईवेट के बीच में वो पिन जाना चाहिए, वो प्ले भी नहीं रहेगा तो आपको स्टार्टिंग ट्रबल भी आ सकता है। स्टार्टिंग नहीं आता मशीन पे तो स्टार्टिंग नहीं आता, कभी कभी आपको अगर बहुत सारे भाई को आया भी होगा प्रॉब्लम, कभी आया नहीं होगा
क्योंकि फ्लाईबैट और ड्राई गवर्नर शाफ्ट जो फंसता है ना, वो फ्लाईबैट का जो जहाँ पे जाता है हुल, वहाँ पे पूरा कट जाता है, वो हिलते रहता है वो। आप पूरा हेडबैट डाल देते फिर अचानक देखते कि स्टार्टिंग नहीं आ रहा, फिर आप गवर्नर शाफ्ट स्लू भी ग्रैंड करवेंड करके भी लगा देते फिर भी नहीं आता, स्लू दूसरा डाल दिए फिर भी नहीं आया, हेड प्लग डाल दिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो प्ले है 0.35 से 0.55 होना और स्टार्टिंग नहीं आता। तो स्टील का बात करता हूँ, कर रहा था वो, उसको थोड़ा ग्रैंड करना है ठीक है। और कभी कभी तो यहाँ पे प्ले बढ़ जाता है, वो जो फ्लाईबैट ना, फ्लाईबैट जो गवर्नर शाफ्ट बीच रखा है वो वहाँ पे प्ले, ये जो प्ले है वो पूरा हिलता है, टप ऊपर नीचे ऊपर टप टप करता है, उसके कारण भी स्टार्टिंग नहीं आता है। क्योंकि वो आप बहुत सारे लोग देखते भी नहीं, जब मशीन पे प्रॉब्लम आएगा तभी वो अरे स्टार्टिंग नहीं आ रहा, तो खुलते टाइम वो देखना है वहाँ पे प्ले ज़्यादा नहीं होना ठीक है। अरे ये नीचे का जो कैम्पलेट का सिम है, कटा वाला सिम, सिम अगर कटा रहता तो आप ऊबर साइज का हेड सिम डाल के आप चला लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कैम्पलेट कटा है तो आप सिम कटा है तो आप नया ही डालो, ऊबर साइज का सिम डालने से वो बराबर सेट नहीं होता है। क्योंकि और सिम अगर ज़्यादा कट गया तो ब्लैक स्मोक मारने का चांसेस रहता है गाड़ी में, क्योंकि उसको जो हेड को खेलने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाता है स्क्रू प्लग से, और हेड वो ज़्यादा डीजल देने को कोशिश करता है, ज़्यादा डीजल जाता है इसीलिए वो ब्लैक स्मोक मारने का चांसेस रहता है ठीक है। सिम कटा नहीं होना, वो कैम्पलेट में, कैम्पलेट का अगर सिम ज़्यादा कट गया है तो कैम्पलेट नया डालो, ओवर साइज का सिम डाल के मत चलाया करो वो, फिर वो आपको ब्लैक स्मोक का जो के डोमिनेशन बोलते ना चार्ट में, के डोमिनेशन वो उसका से मेजरमेंट है। और ये फ्लाईबैट का प्ले है। अभी ये गुटका का बात है, पहले बताया था ऐसा जैसे रॉप हो गया पूरा, आप बहुत सारे भैया लोग मान लो ऐसे घिस घास की उसको प्लेन करके वहाँ फ्री हो गया है चला लेते, लेकिन फ्री तो हो जाता है लेकिन वहाँ पे वो प्रेशर लीक हो जाता है। वैनपम्प जो है वो वैनपम्प को बराबर जैसा वर्किंग होना चाहिए, वैनपम्प प्रेशर जैसा बताना चाहिए ऐसा बताता नहीं है। कभी कभी वहाँ घिसने से भी हो भी जाता है, लेकिन वो मशीन के ऊपर तो आप आधा घंटा की 15 मिनट की 20 मिनट की 10 मिनट में पंप बना रहे हो, उसमें तो हो जाता है, दिखा देता है हाँ प्रेशर बराबर है। वो गाड़ी पे लगने के बाद फिर प्रॉब्लम आते हैं, पिकअप का इशू आएगा, पिकअप का इशू आएगा तो माइलेज में फॉल्ट आता है ठीक है। तो इसीलिए वो ज़्यादा घिसा वाला मत डालो फ्री करके महिंद्रा नविस्टर में ठीक है। अरे देखिए यार लिया है पिस्टन, एक क्रैक है इसका तो पहले बता चुका हूँ, मतलब यहाँ पे जब गाड़ी एयर लेता तभी आता है, पिटिंग होता है वहाँ पे, और ज़्यादा अगर कैम्पलेट रोलर की पिटिंग हो गया तो भी वो आता है, लेकिन ज़्यादातर तो एयर लेने से ही आता है वहाँ पे पिटिंग। तो पीरियड में आप कस्टमर को डायरेक्ट बोल सकते हैं आपका गाड़ी भैया एयर लिया है, एयर लेने से यहाँ पे मार आता, नहीं तो अदरवाइज ऐसा मार नहीं आता है वहाँ पे। कस्टमर तो इतना बोलते नहीं मेरा गाड़ी एयर लिया नहीं है, लेकिन वो आप बता सकते जब तक गाड़ी एयर नहीं लेता यहाँ पे पिटिंग नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पे, अरे आप बहुत सारे भाई लोग डाउट में भी होते किसी किसी केस भी में ना, ऐसा डबल के ये केस भी में महिंद्रा बोलो और 516 का भी एक पम्प में ऐसा केस भी आता है, आइसर में भी कभी केस भी ऐसा मिलता है, तो किसी किसी में लॉक रहता है किसी किसी में लॉक नहीं रहता, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होने का। क्योंकि बहुत सारे ऐसा भी भैया लोग है वहाँ पे अरे लॉक नहीं है करके तार वार बांध देते, तो ऐसा तार नहीं बांधना है फ्रेंड्स ठीक है। तो तार वार वहाँ पे नहीं रहता, किसी में लॉक रहता है किसी में नहीं रहता, ऐसा कंपनी कंपलसरी उसमें लॉक रहता है ऐसा तो है नहीं। अब बिना लॉक का ही मैं जैसा फिट कर रहा हूँ ऐसा लगाने का ठीक है। अरे पिस्टन का अंदर वाला है और यहाँ पे एक बारी खुल रहा था, वो कभी भी जाम नहीं होना, वो देखना है जाम नहीं होना, क्योंकि वो लुब्रिकेंट के लिए फिर बराबर आपका लुब्रिकेंट नहीं होगा तो सीज वीज होने का चांसेस रहता है। वो डीजल वहाँ पे हुल में जाके उधर पास होके निकलना चाहिए, और वो जाम होगा तो लुब्रिकेंट आपका बराबर नहीं होगा, वो जाम हो जाएगा। फिर वो एक चीज़ अगर कोई भी रोटरी पंप में क्या है फ्रेंड, वो ऑयल का सिस्टम नहीं है, डीजल से ही भरे से, डीजल भी अगर प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा रोटरी पंप में, डीजल अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या होगा आप सोच सकते हो। जब उसको डीजल से ही चलना है और डीजल ही प्रॉपर नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा ना। अरे पैकिंग का है फ्रेंड, पैकिंग भी बहुत लोग डालते हैं, अरे लीकेज हो गया ये हो गया लीक, बराबर मेरा पैकिंग बैठ नहीं रहा, तो पैकिंग का टाइट मार दे। पैकिंग का जो हिस्सा है वो जो एक चौड़ा रहता ना एक तरफ निकल के रहता, वो कभी भी ऊपर ही रखना है,
ऊपर रखना है और राइट साइड में हेड हाउसिंग के तरफ, हाउसिंग के तरफ रखना है। कोई भी पैकिंग आप फिट कर रहे तो हाउसिंग के तरफ ऊपर साइड हाउसिंग के तरफ रखो, लीकेज विकेज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा रखो, लीकेज कभी मतलब ऐसा होने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, इसका तो छोटा वाला इतना नहीं, वो बड़ा वाला जो कैसमी में लगाते ना भाई, बहुत भाई उल्टा सीधा लगा देते मशीन पे, तो 10 मिनट में कभी कभी लीक मारता नहीं। गाड़ी के ऊपर जाके जैसे गाड़ी 2 घंटा 3 घंटा कहीं चले गया 50-60 किलोमीटर, फिर लीकेज चालू हो जाता है, ऐसा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अरे मैं तो पैकिंग नया डाला हूँ, कैसा लीकेज हो गया, लेकिन हो जाता है। आप डालने का तरीका ऐसा, मतलब ये जो हिस्सा है आप ऊपर साइड रखो, लीकेज होगा नहीं। ठीक है, और रोटरी पंप में जितना आप मेंटेनेंस जितना अच्छा रखोगे ना, कस्टमर को बोल रहा हूँ जो गाड़ी के ओनर की कस्टमर की ड्राइवर भाई देख रहे वीडियो, तो जितना अगर आप अच्छा फिल्ट्रेशन रखेंगे रोटरी पंप को, ऐसा 4-4, 5-5 साल तक होता नहीं, कुछ नहीं होता। आप फिल्टर अगर 3 महीने में चेंज कर रहे हो तो उसको 2 महीने में कि आधा में लाओ, 1 महीने 1.5 महीने में चेंज करो फिल्टर। डीजल फिल्टर ही पंप का लाइफ बढ़ाता है। ठीक है, आप डीजल अच्छा प्योर डालो और डीजल फिल्टर अच्छा डालो, मतलब डीजल फिल्टर टाइम टू टाइम चेंज करो, पंप को कुछ होता नहीं है। अब जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो जाता तब तक वो चलाते रहते हैं, हाँ गाड़ी मेरा खड़ा हो गया, हाँ अभी फिल्टर खिंचाई कम हो गया तो फिल्टर चेंज करूँगा, वो टाइम तक आने को इंतज़ार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पहले ही एक टाइम शेड्यूल बना लेना चाहिए, तो आपको इतना दिक्कत इतना खर्चा इतना ये पंप में नहीं बैठेंगे। अरे पाइप लगाएंगे, पाइप लगाने से पहले उस स्क्रू को कैसवी के स्क्रू को फुल टाइट नहीं मारना है, वो ढिलाई थोड़ा छोड़ना है, इधर दोनों पाइप लगा लेना है फिर वो साथ में, क्योंकि अगर उधर फुल टाइट मार दिए, उधर अगर फुल टाइट मार दिए और इधर बाद में लगाएंगे बोलेंगे ना, ये चूड़ी जाने का बहुत चांसेस रहता है, चूड़ी चले जाएगी, बॉडी का चूड़ी चले जाएगी, फिर बॉडी का चूड़ी जाएगा तो फिर वो तो नया डालना पड़ेगा। तो इसीलिए वो दोनों को ढीला रखो, थोड़ा ऐसा हिला के एडजस्टमेंट करके पूरा बोल्ट लगा के फिर फाइनल टाइट मारना है। ठीक है, केएसबी का तो आपको बता दिया हूँ, केएसबी से भी आपको महिंद्रा में और मशीन में एक पंप आता 516 नंबर, उसमें मतलब केएसबी का गुटका आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि मेरे पास तो ऐसा भी कैसा है, अगला वाला घिस घास के फ्री करके लगा देता है गाड़ी, वो पूरा हेड नोजल वोजल सब डाल देते, फिर होता नहीं, कस्टमर फिर मेरे पास भी लाता, मैं फिर वो गुटका चेंज करके रीडिंग मार के प्रॉपर रीडिंग मार के, क्योंकि मैं पहले मशीन, वो कस्टमर बोलता अभी बनाया हूँ सब कुछ सामान डाल के है, एक बार आप मशीन पे चढ़ा के देखो क्या हो रहा है। मशीन पे चढ़ाता हूँ तो वैन पंप प्रेशर मेरे को बराबर नहीं मिलता, वैन पंप में प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो LFB मिलाने में आपको प्रॉब्लम आएगा। वो गुटका का अगर बराबर ज़्यादा घिस गया होगा, ज़्यादा खराब हो गया होगा, तो LFB मिलाने में भी दिक्कत करता है और वैन पंप में भी आपको दिक्कत दिखाई देगा। तो फिर मैं गुटका ही डाला हूँ, गाड़ी ओके हो गया है। ये देखिए, ये सब पूरा टाइट मार दिया हूँ। अभी इधर प्लेट का लगाएंगे, प्लेट लगाने के एरो मार्क रहता है, ट्राई एंगल बन के रहता है, वो हाउसिंग के तरफ होना, अंदर साइड होना है। ठीक है, वो कभी कभी वो उल्टा प्लेट और कैसे भी लगा देते हैं, ऐसा कैसे भी नहीं लगाना है। उसमें जो होल का डिजाइन बना है ना, और पिस्टन में जो होल आता है डीजल इधर आता है, प्रेशर बना के वहाँ पे रखना चाहिए। अगर डीजल नहीं आता तो प्लेट में टकराता है पिस्टन, इसीलिए वहाँ पे पिटिंग हो जाता है पिस्टन को, वहाँ पे डीजल वो होल में और पिस्टन में वो डीजल का प्रेशर रहना चाहिए, उसके कारण वहाँ पे प्रेशर अगर नहीं आएगा, डीजल का प्रेशर टंकी से नहीं आता तो वो पिस्टन ये प्लेट में टकरा के वो ख़राब होता है। और एरो मार्क इधर अंदर साइड होना, आप उल्टा नहीं डालना है, वही हिसाब से होल वोल का डिजाइन बनाया गया, आप उल्टा डालेंगे तो बराबर ये नहीं होगा, वो पिस्टन ख़राब होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, और प्रेशर जो रिटार्ड एडवांस इधर, तो प्रेशर से वो रिटर्ड ये हो गया, फिर उधर से स्प्रिंग इसको ढक लेगा पिस्टन को। अभी हेड डालेंगे, हेड डालने स्क्रू प्लग है, तो पूरा खोल दिया हूँ। वाशर वाशर सब चेंज करना है, वाशर तो कंपलसरी चेंज करना है। स्क्रू प्लग ये है चैम्बर, स्क्रू प्लग का जो हेड प्लग स्क्रू प्लग बोलते ना इसका, और वो हेड का जो चैम्बर है यहाँ पे ही प्रेशर बनता है। जो टंकी से 7-8 बार तो आता, 7-8 बार को आप 750-850 और EDC में तो 950 प्रेशर बार, वो कैसे डेवलप होता है, ऐसे ही होता है।
ठीक है। अरे होल्डर है, वॉशर डाल दिया। होल्डर को तो मैं 45 NM में टाइट मारता हूँ। 45 बोले 4.5 kg का ही टर्क देता हूँ। और हेड प्लग को 80 से 90 NM नहीं तो 8.5 kg का टर्क देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हेड प्लग को आप टर्क में ही फिट करो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि हेड प्लग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये जो सिम है, छोटा वाला सिम, वो के है। और इसका सिम का जो मेजरमेंट है वो के पे बोलते हैं, वो उसका सेटिंग वो चार्ट में ही देख ही रहता है, ठीक है। और फ्लाईवेट के अंदर वाला जो स्लू और गवर्नर वो MS-1 का सेटिंग है, वो चार्ट सभी चार्ट में रहता है, KF MS, ठीक है। और हेड में जो कंट्रोल कलर लगा रहता है, वो हुल एक बारीक हुल, वो नीचे साइड ही होना, कभी कभी ऊपर हो जाएंगे कि भैया ध्यान नहीं देते, तो उसमें आपको डीजल वीजल आता नहीं है, डीजल आएगा भी तो प्रॉपर नहीं आएगा, रीडिंग में प्रॉब्लम आएगा, कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और वो जो कंट्रोल कलर है, कंट्रोल कलर में फाल्कन लीवर फंसता है, और नीचे जो कैम्पलेट के अंदर, कैम्पलेट में एक गुंडी बताया था ना, कैम्पलेट में एक पॉइंट बन के वहाँ पे हेड का कट फंसेगा, और ऐसा डाल रख देना है, ठीक है। ऐसा रख दिया, फिर ऊपर से वो स्प्रिंग डालना है, स्प्रिंग लगा दिया हूँ, देखिए ऐसा लगा देते पहले। मैं तो ऐसे फिट करता हूँ, बहुत सारे भाई अलग अलग हिसाब से अपने अपने हिसाब से फिट करते होंगे, क्योंकि मैं कैसा फिट कर रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ। फिर इधर से थोड़ा एक हाथ में पकड़ लेना है, और दो पिन वो स्प्रिंग के अंदर जाएगा, ऐसा डाल देना है। डालने के बाद वो थोड़ा स्क्रू ऐसे छोड़ना नहीं है, डाल दिए छोड़ना नहीं है, स्क्रू कोई भी दो स्क्रू पहले टच लगा लेने का उसको, ठीक है। और हेड बर्नआउट हो गया कि वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया, तो स्टार्टिंग ट्रबल आता, क्योंकि कभी कभी बोलते नहीं गाड़ी सब कुछ बड़ा हो रहा है, मेरा राउंड लेके चालू हो रहा है, तो हेड का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कभी कभी हॉट स्टार्टिंग ट्रबल, गर्म में चालू नहीं होना, वो हेड का प्रॉब्लम है, रूटर का प्रॉब्लम है, क्योंकि गर्म में चालू नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो हमारा सेल्फ घुमा रहा कि नहीं वो देखना पड़ता, अल्टरनेटर हमारा बराबर घुमा रहा है कि नहीं। अगर अल्टरनेटर बराबर घुमा रहा है, इंजन फैन स्पीड में घूम रहा है, तो अपना हेड का ही फॉल्ट रहता है, ठीक है। और ऐसे तो चालू नहीं हो रहा, तो बोले तो राउंड ले के चालू हो रहा है, तो भी रूटर से ही होता है। अगर पंप में कुछ टूट फूट नहीं है, रूटर बर्नआउट है, वाइट हो गया है, तो रूटर का ही फॉल्ट रहता है। अभी इसको लगाएंगे, हेड लगा दिए, अभी प्रेशर कंट्रोल वाले हैं, प्रेशर कंट्रोल वाले को लगाएंगे। प्रेशर कंट्रोल वाले प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करके रखता है प्रेशर। कभी कभी मतलब आप वैन पंप डाल दिए, बॉडी डाल दिए, हाउसिंग डाल दिए, तो भी प्रेशर नहीं आता, तो ये KSB का भी रूल रहता है। KSB में जो पिस्टन है वो देखना है बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आप ठोकते जाते यहाँ पर ऊपर से ठोक रहे, लेकिन प्रेशर बढ़ता नहीं, कुछ काम ही नहीं करता, ऐसे मतलब क्यों यार बॉडी डाल दिया, वैन पंप भी डाल दिया, प्रेशर कंट्रोल भी डाल के देख, तो KSB से भी ऐसा वैन पंप प्रेशर का इशू आता है। आप थोड़ा वो कंडीशन में KSB भी देखा करो, ठीक है। अरे थोड़ा फाल्कन लीवर हिला के मतलब वो बराबर पॉइंट में फंसा है कि नहीं देखना है। अभी लीवर लगाएंगे स्प्रिंग। अरे स्प्रिंग लगाने से पहले वो आप नीचे से ऊपर नहीं लेना है, जो पॉइंट है ना वो ऐसे लगाना है, ऊपर से लगाना है, वो नीचे से लगाएंगे तो गाड़ी में निकलने का चांसेस रहता है, कभी कभी निकल भी जाता है, तो उसको मतलब ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा मैं कैसे लगाया हूँ। आप अगर इसको निकल के अगर इससे लगा देंगे तो निकल जाता है, वो निकलने का चांसेस रहता है, ठीक है। अरे लीवर वीवर आप अगर कटिंग नहीं आ रहा, कटिंग अगर ज़्यादा बढ़ाना भी है, तो आपको ये लीवर जो है कटिंग अगर बढ़ाना है, तो इसे बड़ा वाला बैंड वाला है क्या था, एक छोटा वाला वो डाल सकते, लेकिन इसमें तो 624 नंबर का एक्सीलेटर लीवर आता है। महिंद्रा में तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, कोई अगला वाला अगर इधर उधर का लीवर डाल दिया है तो प्रॉब्लम आता है, लेकिन मशीन में कटिंग वटिंग सब लेना चाहिए, क्योंकि बिना एयर का भी कोई पंप बना देते ऐसा नहीं करना है, एयर से ही आप कंप्रेसर लेके एयर से ही बनाओ, क्योंकि अगर बराबर पंप बनेगा नहीं तो पिकअप का इशू, माइलेज का इशू, खिंचाई का इशू आएगा। एक कवर लगा दिया हूँ मैं, ठीक है।
और एमपीसी खुल के भी साफ़ करना है उसका। अगर वो उसमें डीजल वीजल कुछ दिख रहा है तो उसको रिंग जो छोटा वाला स्मॉल रिंग है ना वो चेंज करना है, अंदर का रिंग चेंज करना है। डायफ्राम भी फटा रहेगा तो आपका गाड़ी पिकअप नहीं करेगा, वो तो मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। क्योंकि आप पूरा भी कितना भी काम कर दो अगर एमपीसी का डायफ्राम फटा है तो कोई काम का नहीं है, वो पंप खिंचाई करेगा नहीं, लू पिकअप माइलेज इशू गियर पे गियर लेगा, ठीक है। अरे गियर इसका जो मीनिंग है ये तो ज़्यादातर दो पे ही आता है, कभी कभी दो पे ही आता है, दो पे तीन पे ऐसा सेट होता है। मतलब आप पहले ही देखें, अगर जो भाई अगर रेगुलर बना रहे हो उनको तो मालूम ही है कितने पे आता है, वो बिना देखे बोल देंगे दो पे लगा दे, वो मशीन पे भी उग के बराबर हो जाता है। और यहाँ से डीजल कम ज़्यादा होता है, जो फुल लोड स्क्रू बोलते हैं फुल लोड स्क्रू को लगाएंगे, ठीक है। अभी आप मशीन पे लगाने के, अगर मैं तो मशीन पे ही डायफ्राम खुलता हूँ, फिटिंग करने वाला लड़का फिट कर देता, मैं मशीन पे डायफ्राम मैं खुद मेरे हाथ से खुल के चेक जाक करके पिन विन देख के लगाता हूँ। ये कंप्लीट अभी भी पंप हमारा फिट हो चुका है, ठीक है। ये मेरे ये भी पंप फिटिंग करने का तरीका यही है, ऐसा है, ऐसा सेम आप फिट कर सकते हो कोई भी पंप। ये तो मैं महिंद्रा नविस्टर का 506 नंबर का पंप फिट किया हूँ, अब इसे फिट कर सकते हैं। ये देखिए मशीन पे लगाया, मशीन पे जब लगाते हैं ना फ्रेंड, ये रिटर्न वाल जो है रिटर्न वाल उसी का रिटर्न वाल लगा के चेक करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि 344 की 303 75 नंबर 55 नंबर रोटरी पंप का लगा के चेक करेंगे, ऐसा नहीं करना है, वही रिटर्न वाल लगाना है 025 नंबर का जो आता है उसके साथ, ठीक है, वही रिटर्न वाल लगाना है। और एमपीसी को साफ करके देखना है, एमपीसी का रीडिंग लेना जरूरी है। अरे 114 के हिसाब से रीडिंग आता है, और इसका जो भाई के पास अगर ये 114 नहीं है वो वीडियो में बनाया हूँ 009 और 022 और 009 के हिसाब से मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ क्या रीडिंग रखना है महिंद्रा नविस्टर 506 नंबर का पंप, वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते वीडियो, ठीक है। नहीं तो एंड स्क्रीन में आपको दे दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते मतलब क्या रखना है, क्योंकि बहुत सारे भाई के पास तो 009 नहीं होगा, ठीक है। मैं तो सॉरी 114 नहीं होगा, तो मैं तो 114 के हिसाब से ही मारता हूँ। ये पूरा मेरा सेट देखिए 114 का ही है, बहुत सारे भाई के पास तो नहीं होगा 114, तो आप 009 और 022 के हिसाब से कैसा मारना है वो आप जाके देख सकते। फ्रेंड्स फाइनल हमारा वीडियो खत्म हो चुका है, जो भाई लोग अगर नया है मेरे चैनल में नया वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।